हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक, वेलकम बैक टू K2K मोटो व्लॉग्स। तो यार, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट 150-160 सीसी वैल्यू फॉर मनी बाइक्स के बारे में, जिनको आप 2022 में परचेज कर सकते हो। देखो यार, अगर आपको 150-160 सीसी सेगमेंट के अंदर सबसे बेहतरीन बाइक लेनी है तो फिर आप इस लिस्ट की सभी बाइक्स को कंसिडर कर सकते हो। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कोई भी बाइक लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आपको शोरूम पे जाके उस बाइक की टेस्ट राइड लेनी चाहिए और खुद से उस बाइक के कलर्स और फीचर्स को ऑब्जर्व करना चाहिए। सो दोस्तों, अगर आपको इन टॉप 5 बेस्ट 150-160 सीसी वैल्यू फॉर मनी बाइक्स के बारे में जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका किसी भी बाइक को लेके कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो यार, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो स्टार्ट करते हैं लास्ट नंबर से। फिफ्थ नंबर पे है Yamaha FZS V3। दोस्तों, Yamaha FZS V3 के काफी सारे वेरिएंट्स हैं जिनके प्राइस में भी काफी डिफरेंस है, लेकिन ये बाइक अपनी सेगमेंट के अंदर बिल्कुल एक वैल्यू फॉर मनी मशीन है, क्योंकि सेगमेंट के अकॉर्डिंग इस बाइक के लोअर मॉडल का प्राइस सबसे कम है। इस बाइक के सबसे लोअर मॉडल का एक्शोरूम प्राइस है 1,04,000। इस बाइक के स्टैंडर्ड ब्लूटूथ वाले वेरियंट का एक्शोरूम प्राइस है 1,16,000। और डीलक्स वेरियंट जो रिसेंटली ही मार्केट में लॉन्च हुआ है उसका एक्शोरूम प्राइस है 1,19,000। और ये बाइक अपनी सेगमेंट में वैल्यू फॉर मनी मशीन इसलिए है क्योंकि ये एक फुल्ली लोडेड फीचर्स वाली मशीन है। वैसे तो दोस्तों, इस बाइक की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फीचर्स के अकॉर्डिंग ये बाइक अपनी सेगमेंट में बहुत ही अच्छी है। और FZS V3 का सबसे बेस्ट पार्ट है इस बाइक की इंजन रिफाइनमेंट, इंजन रिलायबिलिटी, इंजन ड्यूरेबिलिटी और इस बाइक की माइलेज। इस बाइक में आपको 45-50 KMPL की माइलेज बड़े आराम से मिल जाएगी और साथ ही इस बाइक के इलेक्ट्रिकल फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। इस बाइक के अंदर 149 सीसी का एयर कूल्ड इंजन है जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 12.4 PS की और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है 13.3 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन। इस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 13 लीटर्स की। ये बाइक डायमंड फ्रेम पे बेस्ड है जिसके अंदर टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स हैं, रियर में एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है, फ्रंट में 282mm की डिस्क ब्रेक है, रियर में 220mm की डिस्क ब्रेक है विद स्टैंडर्ड सिंगल चैनल ABS। इस बाइक की सबसे बड़ी कमी ये है कि इसकी टॉप एंड परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि इस बाइक की मिड एंड परफॉर्मेंस ही इस बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट है। सो परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बाइक उतनी अच्छी नहीं है। अगर आप एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड राइडर हो तो फिर आप इस बाइक को मत लेना, लेकिन अगर आपको एक बेस्ट माइलेज वाली बाइक लेनी है तो फिर आप FZS V3 के लिए जा सकते हो। इस बाइक के 2022 मॉडल के अंदर न्यूली डिजाइंड LED टेल लाइट भी है और साथ ही डीलक्स मॉडल के अंदर LED इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं और साथ ही ड्यूअल टोन सीट भी दी गई है और कलर्ड अलॉय व्हील्स भी दिए गए हैं। FZS V3 के अंदर फ्रंट में काफी अच्छी LED हेडलाइट है विद LED DRLs, कॉम्पैक्ट साइज फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, रियर में LED टेल लाइट है। सो दोस्तों, ये थी फिफ्थ बाइक Yamaha FZS V3 जो सेगमेंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल एक वैल्यू फॉर मनी मशीन है। आप इस बाइक को बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं फोर्थ बाइक के बारे में। इस लिस्ट में फोर्थ बाइक है हीरो की एक्सट्रीम 160R। हीरो की एक्सट्रीम 160R के 3 वेरिएंट्स हैं जिसके अंदर सिंगल डिस्क ब्रेक वेरिएंट का एक्शोरूम प्राइस है 1,12,000, ड्यूअल डिस्क ब्रेक वेरिएंट का एक्शोरूम प्राइस है 1,15,000, स्टील्थ एडिशन का एक्शोरूम प्राइस है 1,17,000। सो सेगमेंट के अकॉर्डिंग इस बाइक का प्राइस भी काफी सही है और ये बाइक भी एक वैल्यू फॉर मनी मशीन है, क्योंकि ये बाइक भी एक फुली लोडेड फीचर्स वाली मशीन है जिसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है और फीचर्स भी काफी अच्छे हैं। FZS V3 का सबसे बेस्ट पार्ट है इस बाइक के इलेक्ट्रिकल फीचर्स, क्योंकि इस बाइक के अंदर भी फ्रंट में LED हेडलाइट है विद LED DRLs, LED इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं जो इस बाइक के अंदर स्टैंडर्ड देखने को मिलते हैं, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, रियर में एच शेप्ड LED टेल लाइट है और इस बाइक में भी आपको 45 KMPL की माइलेज बड़े आराम से मिल जाएगी। इस बाइक के अंदर 163 सीसी का एयर कूल्ड इंजन है जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 12.2 PS की और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 14 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन। इस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 12 लीटर्स की। ये बाइक भी ट्यूबुलर डायमंड फ्रेम पे बेस्ड है जिसके अंदर फ्रंट में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स है, रियर में 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है, 276mm की फ्रंट डिस्क ब्रेक है, 220mm की रियर डिस्क ब्रेक है विद स्टैंडर्ड सिंगल चैनल ABS। सो सेगमेंट के अकॉर्डिंग इस बाइक की ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी डिसेंट है। ये बाइक परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छी स्टैंड करती है और फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छी है और इसी वजह से ये बाइक एक वैल्यू फॉर मनी मशीन है। साथ ही इस बाइक के ओवरऑल लुक्स, डिजाइन और स्टाइल भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। इस बाइक के अंदर सिंगल पीस सीट दी गई है। सो ये थी फोर्थ नंबर पे हीरो की एक्सट्रीम 160R। अब हम बात करते हैं थर्ड बाइक के बारे में। इस लिस्ट में थर्ड बाइक है Yamaha FZX। दोस्तों, Yamaha की FZX एक रेट्रो स्टाइल वाली नेकेड स्ट्रीट फाइटर मशीन है जो 2021 में इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च हुई थी और इस बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि ये बाइक अपनी सेगमेंट में सबसे कंफर्टेबल मशीन है। ये बाइक लॉन्ग हाईवे राइड करने के लिए भी कंफर्टेबल है
और सिटी में राइड करने के लिए भी कंफर्टेबल है। इस बाइक का राइडिंग पोस्चर भी काफी कंफर्टेबल है और पिलियन के लिए भी ये बाइक काफी कंफर्टेबल है क्योंकि इस बाइक के अंदर टक एंड रोल टाइप की सिंगल पीस सीट है। FGX का एक शोरूम प्राइस है 126,300 और इस बाइक के भी इलेक्ट्रिकल फीचर्स काफी अच्छे हैं। इस बाइक के अंदर फ्रंट में राउंड शेप्ड LED हेडलाइट है विद LED DRLs, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जिसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है, रियर में LED टेल लाइट है। इस बाइक के अंदर काफी अच्छा टीयर ड्रॉप शेप मस्कुलर फ्यूल टैंक है और FGS V3 के साथ ये बाइक इंजन और काफी सारे कंपोनेंट्स को शेयर करती है। इस बाइक के अंदर 149cc का एयर कूल्ड इंजन है जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 12.4 PS की और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है 13.3 न्यूटन मीटर का विद 5-speed ट्रांसमिशन। इस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 10 लीटर्स की। FGS V3 के जैसे ही ये बाइक भी डायमंड फ्रेम पे बेस्ड है जिसके अंदर टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स हैं, रियर में एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है, वहीं सेम डिस्क ब्रेक है विद स्टैंडर्ड सिंगल चैनल ABS। रेट्रो स्टाइल वाली सेगमेंट के अंदर इंडियन टू व्हीलर मार्केट में सिर्फ यामा की FGX ही है जिसको आप 150,000 ऑन रोड प्राइस टैग के अंदर परचेज कर सकते हो और अपनी सेगमेंट के अंदर ये बाइक भी बिल्कुल एक वैल्यू फॉर मनी मशीन है जिसके ओवरऑल फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। और इस बाइक का भी सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसकी माइलेज काफ़ी अच्छी है। इस बाइक में भी आपको 50 km/L के आसपास की माइलेज बड़े आराम से मिल जाएगी और इस बाइक की भी इंजन रिफाइनमेंट, इंजन रिलायबिलिटी इस बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट है। सो ये थी थर्ड नंबर पे यामा की FGX। अब हम बात करते हैं सेकंड बाइक के बारे में। इस लिस्ट में सेकंड बाइक है TVS की अपाची RTR 164V। RTR 164V अपनी सेगमेंट के अंदर करंटली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मशीन है और इस बाइक का भी सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये बाइक भी एक फुल्ली लोडेड फीचर्स वाली मशीन है जिसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट है, साथ ही इस बाइक के फीचर्स भी सबसे अच्छे हैं। इस बाइक के भी काफी सारे वेरिएंट हैं। इस बाइक के अंदर स्टैंडर्ड वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 1,16,000। फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 1,18,000। इस बाइक के स्पेशल वेरिएंट को भी परचेज कर सकते हो जिसका एक शोरूम प्राइस है 1,21,500। इस बाइक के स्पेशल वेरिएंट के अंदर आपको काफी सारे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जैसे कि रेड कलर के अलॉय व्हील्स, डुअल टोन सीट, एडजस्टेबल ब्रेक लीवर, एडजस्टेबल क्लच लीवर और रियर में रेडियल टायर। साथ ही इस बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट ये भी है कि इस बाइक के अंदर राइडिंग मोड्स भी दिए गए हैं जो 160cc सेगमेंट के अंदर आपको और किसी भी बाइक में देखने को नहीं मिलते। इस बाइक के अंदर 159.7cc का ऑयल कूल्ड इंजन है जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 17.63 PS की, मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 14.73 न्यूटन मीटर का विद 5-speed ट्रांसमिशन। इस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 12 लीटर्स की। ये बाइक डबल क्रैडल स्प्लिट फ्रेम पे बेस्ड है जिसके अंदर फ्रंट में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स हैं, रियर में एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है। इस बाइक के अंदर फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, रियर में ड्रम ब्रेक का ऑप्शन है और डिस्क ब्रेक का भी ऑप्शन है और साथ में स्टैंडर्ड सिंगल चैनल ABS भी दिया गया है। इस बाइक के भी इलेक्ट्रिकल फीचर्स काफी अच्छे हैं क्योंकि इस बाइक के अंदर फ्रंट में काफी अच्छी शार्प LED हेडलाइट है विद LED DRLs, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है और रियर में LED टेल लाइट है। इस बाइक में भी आपको 40-45 km/L की माइलेज बड़े आराम से मिल जाएगी। सो ये थी सेकंड नंबर पे TVS की अपाची RTR 164V जो अपनी सेगमेंट में एक फुल्ली लोडेड फीचर्स वाली मशीन है जिसकी परफॉर्मेंस भी सबसे बेस्ट है और इसी वजह से ये बाइक एक वैल्यू फॉर मनी मशीन है। अब हम बात करते हैं नंबर वन बाइक के बारे में। इस लिस्ट में नंबर वन बाइक है यामा MT-15। दोस्तों यामा की MT-15 एक टिपिकल नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक है जो इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर वन ऑफ द मोस्ट डिजायर्ड मशीन है। यामा की MT-15 का सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि इस बाइक के अंदर R15 V4 वाला सेम इंजन है जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंजन है। इस बाइक की इंजन रिफाइनमेंट काफी अच्छी है, इंजन रिलायबिलिटी भी काफी अच्छी है, साथ ही इस बाइक के अंदर माइलेज भी काफी अच्छी मिल जाती है। इस बाइक में भी आपको 45 km/L की माइलेज बड़े आराम से मिल जाएगी। MT-15 का एक शोरूम प्राइस 1,47,000 से लेके 1,50,000 तक है। इस बाइक के भी इलेक्ट्रिकल फीचर्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। MT-15 के अंदर 155cc का लिक्विड कूल्ड इंजन है जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 18.5 PS की और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 13.9 न्यूटन मीटर का विद 6-speed ट्रांसमिशन। सो इस बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि इसके अंदर 6-speed ट्रांसमिशन है, लिक्विड कूल्ड इंजन है और साथ में स्लीपर क्लच भी है और वेरिएबल बल्ब एक्चुएशन टेक्नोलॉजी भी है जिसकी वजह से इस बाइक की टॉप एंड परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है और साथ में इस बाइक की माइलेज भी काफ़ी अच्छी है। सो इन्हीं सभी चीज़ों के कॉम्बिनेशन की वजह से ये बाइक भी एक वैल्यू फॉर मनी मशीन है। MT-15 डेल्टा बॉक्स फ्रेम पे बेस्ड है जिसके अंदर फ्रंट में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स हैं, रियर में एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है। इस बाइक के अंदर काफी अच्छे सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर्स हैं। फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक हैं विद स्टैंडर्ड सिंगल चैनल ABS। इस बाइक के अंदर सिंगल पीस सीट है। इसका राइडिंग पोस्चर भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है
लेकिन इस बाइक का सबसे नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसकी पिलियन सीट उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि इस बाइक की सीट की लेंथ काफी कम है, इसी वजह से ये बाइक पिलियन के लिए उतनी कंफर्टेबल नहीं रहती। इलेक्ट्रिकल फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर फ्रंट में काफी अच्छी सिंगल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट है विद डे टाइम रनिंग एलईडी डीआरएल्स, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जिसके अंदर सारे फीचर्स फुली डिजिटल है, एलईडी टेल लाइट है, और साथ ही इस बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट ये भी है कि इस बाइक का वेट है 138 kg। सेगमेंट के अकॉर्डिंग ये बाइक काफी ज्यादा लाइट वेट मशीन है जिसकी वजह से इसका पावर टू वेट रेशियो भी काफी ज्यादा अच्छा है। सो दोस्तों ये थी नंबर 1 पे यामा की MT-15 जो बिल्कुल अपनी सेगमेंट के अंदर एक वैल्यू फॉर मनी मशीन है। सो ये थी टॉप 5 बेस्ट 150-160 सीसी वैल्यू फॉर मनी बाइक्स जिनको आप 2022 में इंडियन टूलर मार्केट में परचेज कर सकते हो। दोस्तों 150-160 सीसी सेगमेंट के अंदर ये सभी बाइक्स काफी बेहतरीन बाइक्स हैं। आप कोई भी न्यू बाइक लेने वाले हो तो इन बाइक्स को कंसीडर कर सकते हो। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन राइड सेफ ड्राइव सेफ।